हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मोम इन लंदन। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ केरल का एक सिंपल सा लंच रूटीन। पहले मैं बना रही हूँ पाइनएप्पल पचड़ी। उसी के लिए मैंने हाफ पाइनएप्पल लिया, वो छोटा छोटा कट कर दिया, और उसी में मैं अभी थोड़ा सा टर्मरिक, हाफ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर और दो ग्रीन चिल्ली और नमक स्वाद अनुसार और थोड़ा पानी डालकर अभी बॉयल करने के लिए रखूँगी। जब तक वो पाइनएप्पल बॉयल हो रहा है तब मैं इधर कोकोनट का पेस्ट बना रहे हैं। आधा कप कोकोनट लिया है मैंने, उसमें थोड़ा सा एक टीस्पून जीरा डालकर मैं अभी अच्छे से उसको ग्राइंड करूँगी। पूरा स्मूथ पेस्ट बनाना है उसका। अब ये पाइनएप्पल अच्छे से बॉयल हो गया, मैं और थोड़ा उसको बॉयल करूँगी और स्पून की हेल्प से मैं उसको थोड़ा मैश भी करूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत चंक्स उसमें रहना चाहिए। जब उसका पानी पूरा ड्राई हो जाएंगे तब मैं उसमें वो कोकोनट का पेस्ट डाल दूँगी और उसमें मैं एक स्पून जागरी भी डाल दूँगी। जागरी डालने के बाद मैं इसको अच्छे से 5 मिनट तक हिलाते रहेंगे और उसके बाद मैं उसमें ग्रेप्स कट कर कर डाल दूँगी। ये ऑप्शन ले, ग्रेप्स नहीं डालो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद ये ठंडा होने के लिए रखेंगे, और जब ये ठंडा होने के बाद मैं इसमें दही ऐड करूँगी। दही डालकर अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं अभी इसमें तड़का डाल दूंगी। तड़के में मैंने कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल किया है, लेकिन आप लोग अगर सनफ्लावर ऑयल यूज़ करना चाहिए तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल में मैं अभी मस्टर्ड सीड्स, ड्राई रेड चिल्ली, करी लीव्स एंड थोड़ा सा मेथी पाउडर डालकर मैं इसका तड़का डाल दूँगी। देखो पचड़ी बनकर अभी तैयार हो गया। ये बहुत टेस्टी एक डिश है। ये थोड़ा स्वीट है एंड थोड़ा तीखा है, बहुत ही टेस्टी। आप लोग ज़रूर इसका ट्राई करना। नेक्स्ट रेसिपी है बीटरूट एंड पोटैटो का फ्राई। ये एकदम सिंपल है। इसके लिए मैंने ऑयल अभी गर्म होने के लिए रखा है। उसमें मैं मस्टर्ड सीड्स, एक स्पून उड़द दाल और एक रेड चिल्ली, ड्राई रेड चिल्ली डालकर मैं तड़का दूंगी। और उसके बाद मैं उसमें दो बीटरूट मैंने लिया है उसको छोटा छोटा कट कर दिया, और एक पोटैटो लिया है उसको लेंथ वाइज कट कर दिया, और उसके ऊपर एक ओनियन भी छोटा छोटा कट कर मैंने डाल दिया। और उसके ऊपर अभी मैं एक स्पून, और आपका तीखा कितना चाहिए उतना चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं, मैं एक स्पून चिल्ली पाउडर डाल दिया। उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, रेड चिल्ली पाउडर और नमक डालकर अच्छे से मिक्स करूँगी, और उसके कवर कर थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी। और बीच बीच में आप लोग उसको हिलाते रहना। अभी ये पोटैटो बीटरूट थोड़ा पक गया है, मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी डाल दूँगी, और उसके बाद 1-2 मिनट के लिए मैं उसको और थोड़ा फ्राई होने के लिए रखूँगी। अब हमारा बीटरूट का सब्जी रेडी हो गया है। आप लोग भी ये ट्राई करके देखना, बहुत टेस्टी है और बहुत हेल्दी भी है। नेक्स्ट रेसिपी है बीन्स थोरन। उसी के लिए मैंने बीन्स को छोटा छोटा कट कर दिया, और एक साइड में मैंने कोकोनट का आधा लिया है और उसको ग्रेट किया है, और उसके कोकोनट के साथ थोड़ा सा जीरा, गार्लिक और के ग्रीन चिल्ली लगाकर उसको मैं अभी पेस्ट नहीं, थोड़ा एक बार मिक्सी में चलाना है उतना ही है, उसका पेस्ट नहीं, हल्का सा ग्राइंड होना है। उसके बाद मैंने एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। उसमें अभी मैं मस्टर्ड सीड्स, उड़द दाल, ड्राइड रेड चिल्ली और एक स्मॉल ओनियन छोटा कट कर कर, जब तक वो ओनियन थोड़ा नरम हो जाएंगे तब तक उसको हिलाते रहना, और उसके बाद उसमें वो बीन्स डालना है। अभी उसमें मैं थोड़ा सा टर्मरिक और नमक डालकर, थोड़ा पानी डालकर मिक्स कर उसको ढक कर कर पकने दूंगी। अब
पाँच दस मिनट हो गया, बीन्स अच्छे से पक गए और कोकोनट का कच्चा स्मेल भी गया है। अभी दो मिनट और बंद करकर पकने दूंगी और उसके बाद हमारा बीन्स की सब्जी तैयार है। अभी लास्ट में मैं बना रहे फिश रेसिपी। केरल का खाना है तो फिश तो ज़रूरी है, फिश के बिना केरल का लंच अधूरा ही है। इसके लिए मैंने अभी एक टीस्पून टर्मरिक पाउडर, दो टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, एक टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर एंड नमक स्वाद अनुसार डालकर मैं अभी उसका एक स्मूथ पेस्ट बना दूँगी। अब ये मसाला फिश के ऊपर मैं अच्छे से कोट करूँगी और उसके बाद 20-15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। आप लोग, मैंने इधर सीबास फिलेट यूज़ किया है, आप लोग कोई भी फिश यूज़ कर सकते हैं। मुझे इधर सीबास फिलेट ही मिला है इसलिए मैंने वो यूज़ किया। अगर कोई भी फिश नहीं खाते, वेजिटेरियन लोग हैं, तो उन लोग फिश के अलावा ब्रिंजोल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रिंजोल राउंड में कट कर ये सही मसाला यूज़ करके शैलो फ्राई कर सकते हैं। अभी मैं 20 मिनट्स तक फिश मैरिनेट किया है, उसके बाद अभी थोड़ा सा ऑयल डालकर मैं शैलो फ्राई करने वाली हूँ। अभी फिश का एक साइड फ्राई हो गया, दूसरा साइड मैं अभी टर्न कर उसके ऊपर जिंजर लेंथ वाइज कट कर उसके ऊपर डाल दूंगी और थोड़ा सा करी लीव्स भी डाल दूंगी उसके ऊपर, और उसी से फिश का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। आप लोग भी ये ज़रूर ट्राई कर देखना। अभी हमारा लंच इधर तैयार हो गया। मैंने इधर मटर राइस रोस्ट किया है, आप लोग कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं। मैंने सांभर भी इधर बना दिया था लेकिन मैंने वो शेयर नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी मैंने सांभर का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी।